सुपर हीरो है। इस बच्ची को जेनेटिक डिसऑर्डर है। वापस आ गया। मुझे मारने की सुपारी लेकर आए हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें जिंदा भी तो रहना होगा और अपने मेरा कंटेनर मेरे को होना। मैं मेरी बेटी को बचा लूंगा। दोस्तों, साउथ की एक और जबरदस्त पैन इंडिया मूवी जिसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि इस मूवी के अंदर जबरदस्त इमोशन के साथ साथ हाई लेवल के एक्शन सीन और खून खराबा भी देखने को मिलता है। और ये मूवी कितनी बड़ी है तो आप इस मूवी के स्टार कास्ट से ही अंदाजा लगा सकते हैं। इस मूवी के अंदर सुपर स्टार वेंकटेश दगुपति, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आर्या और श्रद्धा श्रीनाथ जैसे सुपर स्टार को देख पाओगे। तो अगर आप भी इस मूवी को हिंदी डब में देखना चाहते हो तो सारी जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक जरूर देखना। और अगर साउथ की नई नई मूवी हिंदी डब में देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, सैंधव जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, और अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो सैंधव मूवी की कहानी आधारित है एक ऐसे पिता पर जिसकी एक छोटी सी बच्ची होती है, लेकिन उसको एक खतरनाक बीमारी होती है और उस खतरनाक बीमारी से उस बच्ची को बचाने के लिए या उसकी जान को बचाने के लिए उसे कम से कम 17 करोड़ के इंजेक्शन की जरूरत है, जिसके लिए वो अपनी जान को दांव पर लगा देता है और कुछ ऐसे काम कर जाता है जिसको वो शायद कभी करना भी नहीं चाहता था और शायद उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, जिसके आगे की कहानी जानने के लिए आपको पूरी मूवी देखनी होगी। तो इस मूवी के अंदर दमदार स्टोरी देखने को मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आप इस मूवी को एक बार जरूर देखना। और अगर बात करें इस मूवी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट की और रिलीज डेट की, तो उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आप इस मूवी को दगुपति वेंकटेश की वजह से देखने वाले हो या फिर आर्या की वजह से देखने वाले हो या फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वजह से देखने वाले हो। इन तीनों में से आपका फेवरेट हीरो कौन है, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर बात करें इस मूवी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट की, तो मैं आपको बता दूं कि सैंधव मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है, लेकिन ट्रेलर के अंदर काफी कुछ कहानी रिवील कर दी गई है जो कि मेरे हिसाब से इतना कुछ रिवील नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर बात करें ओवरऑल मूवी की, तो ये मूवी आपको 13 जनवरी को सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी, पैन इंडिया लेवल पर यानी कि हिंदी डब में भी देखने को मिलेगी। लेकिन इस मूवी को साउथ में बड़े क्लैश का सामना करना होगा, यानी कि कैप्टन मिलर और गुंटूर कारम जैसी बड़ी मूवीज के सामने रिलीज हो रही है। ऐसे में सैंधव मूवी साउथ से कितना कलेक्शन कर पाएगी और हिंदी ऑडियंस को ये मूवी कितनी पसंद आएगी, देखना काफी दिलचस्प होगा।